हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का NCERT जोन में। फ्रेंड्स, हम ज्योग्राफी क्लास सेवेंथ का कर रहे हैं, चैप्टर टू इनसाइड आर अर्थ जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारा अर्थ सरफेस, क्योंकि हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि हमारा जो एयर है या अर्थ के जो आउटसाइड चीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रहा है, लेकिन क्या हमारा इनसाइड में क्या एक ही चीज़ से बना हुआ है? अगर बहुत सारे चीज़ों से बना है तो क्या उसमें वेरिएशन आ रहा है, या जो पहले था आज से लाखों साल पहले वही है, कोई चेंजेस उसमें नहीं आता है? ठीक है ना, तो सब कुछ हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, और किस किस चीज़ से बना हुआ वो सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया बताया गया कि जो हमारा होमलैंड अर्थ है वो बहुत डायनेमिक है, आउटसाइड चेंज होता है वो हमने देखा था, लेकिन इनसाइड भी कॉन्स्टेंटली चेंज होता ही रहता है कुछ कुछ। तो सबसे पहले वो पता करने के लिए, आउटसाइड तो हमने देख लिया था एयर है क्या क्या, वो देख लिया था, लेकिन इनसाइड हमें नहीं पता ना भाई, तो इनसाइड देखते हैं इनसाइड में क्या क्या मिलता है। इनसाइड अर्थ का जो लेयर, आपको पता है जो अर्थ का सेप होता है इसको जियोइड सेप बोलते हैं, GEOID, ठीक है ना, जियोइड शेप बोलते हैं। तो इस शेप में तो जो सबसे टॉप में देखो, ये आपको पता है जो ग्रीन कलर का है, जो ग्रीन है वो है कॉन्टिनेंट, ठीक है ना, और ये पार्ट है ओशन, ठीक है, तो पता है ना कॉन्टिनेंट, जैसे आपको पता है ये इंडिया वाला पार्ट है, इंडिया वाला, और ये आपको पता है ये इंडियन ओशन है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं अर्थ का पार्ट है, तो अर्थ का जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है, टॉप मोस्ट लेयर उसको हम बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रस्ट, ठीक है ना, ये पता होगा ना, अर्थ का सबसे टॉप मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं क्रस्ट। और क्रस्ट के बाद जो लेयर होता है, और क्रस्ट क्या होता है, क्रस्ट का हाइट ज़्यादा नहीं होता है, मैं बताता हूँ क्या होता है, लेकिन पहले समझ लो, सबसे ऊपर होता है क्रस्ट, क्रस्ट के नीचे होता है मेंटल, और मेंटल के नीचे होता है कोर। अब देखते हैं क्या है उसके बाद, देखो ठीक है, इतना तो समझ गया, क्रस्ट फिर मेंटल, मेंटल फिर कोर, ठीक है ना। अब देखो क्रस्ट का जो हाइट होता है ना, क्रस्ट का हाइट पहले पहले देखो, क्रस्ट का हाइट सबसे कम होता है, उसके बाद मेंटल का होता है, उसके बाद कोर का होता है, क्रस्ट सबसे थीन होता है, यहाँ पे बताया ना क्रस्ट इज़ द थीनेस्ट लेयर, लेकिन क्रस्ट भी का भी हाइट बराबर नहीं है पूरे अर्थ पे, ऐसा नहीं आप मान सकते कि चलो हम मैं बोल दिया कि सबसे पतला लेयर है लेकिन पूरे अर्थ पे ये लेयर समान है, ऐसा नहीं। अर्थ का जो क्रस्ट है उसका हाइट कॉन्टिनेंट पे कुछ और है और ओशन फ्लोर पे कुछ और है। कॉन्टिनेंट पे उसका हाइट है 35 किलोमीटर, यानी हम ऐसा मान सकते ये अर्थ है, इसके यहाँ पे कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे ज़्यादा हाइट है, लेकिन यहाँ पे ओशन है, यहाँ पे क्रस्ट का हाइट कम है, क्रस्ट के यहाँ पे आपको 5 किलोमीटर, जैसे ही 5 किलोमीटर के अंदर जाओगे फिर आपको मेंटल मिल जाएगा, लेकिन आपको 35 किलोमीटर जाना पड़ेगा उसके बाद मेंटल मिलेगा, ठीक है ना। तो आप देख रहे हो कॉन्टिनेंट पे इसका हाइट ज़्यादा है और ओशन फ्लोर पे इसका हाइट कम है, ठीक है ना। तो आप देख लो यहाँ पे दो चीज़ ध्यान देना, दो चीज़, अब कॉन्टिनेंट हमने बताया आप, और बताया हमने एक और चीज़ बताया ओशन फ्लोर पे, जो ओशन फ्लोर पे जो क्रस्ट होता है। तो आप बताओगे भैया दोनों है क्रस्ट, तो क्या दोनों सेम चीज़ से बने हैं? नहीं भाई, दोनों सेम चीज़ से नहीं बने हैं। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बने हैं सियाल से, ध्यान देना ये बने हैं सियाल से, सियाल का मतलब होता है सिलिका और एल्युमिनियम, लेकिन जो ओसैनिक क्रस्ट बने हैं वो सीमा से बने, सीमा का मतलब होता है सिलिका और मैग्नीशियम, ये ध्यान रखना बस। ये बने हैं सियाल, ये सीमा, सियाल सिलिकम सिलिका एल्युमिनियम, ये सीमा सिलिकन मैग्नीशियम, ठीक है ना। और जैसे इसके अंदर आते हैं, तो अंदर आते हैं तो आपको क्या मिलता है, मेंटल, मेंटल कितना होता है 2900 किलोमीटर मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद मतलब मैंने देखा था ना, हमने यहाँ पे देखा ना कि क्रस्ट, क्रस्ट के जैसे नीचे आए वो मेंटल मिला। लिथोस्फीयर क्या होता है, लिथोस्फीयर मैंने पिछले ही लेक्चर में बताया था, आप देख सकते हो वीडियो, लिथोस्फीयर का मतलब क्रस्ट का जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है जिसमें सॉयल मिनरल वगैरह मिलते हैं उसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मेंटल है, और मेंटल और कोर बाउंड्री है ये वाला, देखो ये मेंटल कोर बाउंड्री, और उसके बाद ये आउटर कोर इनर कोर, वो दोनों मैं बताता हूँ कि आउटर कोर इनर कोर क्यों लिखा है, ठीक है ना। मेंटल उसके नीचे होता है और कोर उसके जस्ट नीचे होता है, कोर होता है, और सबसे ज़्यादा हाइट किसका होता है, कोर का होता है, वो होता है 35 किलोमीटर, ठीक है ना। देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मान लो अर्थ है, ये अर्थ है, तो इसका ये पार्ट है कोर, ये पार्ट है निकेल, ये सॉरी, और ये पार्ट है क्रस्ट, ये पार्ट है, मतलब टोटल चारों तरफ क्रस्ट मिलेगा, चारों तरफ मेल्टन मिलेगा, चारों तरफ कोर मिलेगा, ये तो समझ गए ना। और अब देखो हमने देख लिया कि क्रस्ट में क्या क्या मिलता है, क्रस्ट दो पार्ट में है, कॉन्टिनेंटल और ओशन, कॉन्टिनेंट बना है सियाल से, ओशन बना है सीमा से, लेकिन यहाँ पे ध्यान देना एक
एक चीज के बारे में, कोर किस चीज से बना है? कोर बना है नीफे से, नीफे का मतलब होता है निकेल और फेरस यानी आयरन, ठीक है ना। तो यहाँ पे बताया गया द सेंट्रल कोर है वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, जो सेंट्रल कोर होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर एंड प्रेशर है। ऑब्वियसली आप जितना नीचे जाओगे जमीन के, जितना अंदर जाओगे, टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा ही और प्रेशर भी इंक्रीज होगा, क्योंकि उतना लोड आप पे आएगा ना। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, आपका आपके किताब का लेयर है यहाँ पे, बुक 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 बुक, बुक. मान लो आप एक किताब निकाल के वहाँ पे हाथ से दबाओ, आपको कम प्रेशर लगेगा। लेकिन आप आपका हाथ अगर यहाँ पे रखो और उसके ऊपर सारा बुक रखो, तो आपको कितना ज़्यादा प्रेशर आएगा, आएगा ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर, बहुत ज़्यादा दबाव आप पे महसूस होगा ना। सेम वही समझ लो अर्थ पे, अर्थ पे जब कोर पे इतना ज़्यादा लोड आ गया तो वहाँ पे तो प्रेशर ज़्यादा होगा ही होगा ना, ठीक है ना। एक चीज़ यहाँ पे हमने भूल गए थे, यहाँ पे डू यू नो भी देख लेना कि साउथ अफ्रीका का एक जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा खुदाई हुई है 4 किलोमीटर तक, और एक यहाँ पे बताया गया है कि वायल के लिए इंजीनियर 6 किलोमीटर तक जा चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे बताया गया है टू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ व्हिच इज नॉट पॉसिबल यू हैव टू डिग, मतलब 6,000 किलोमीटर आपको अंदर खुदाई करना पड़ेगा तभी आप ओशन फ्लोर पे, वो तभी आप जा सकते हो एकदम सेंटर पे। जैसे आपको पता है अर्थ, अर्थ अगर गोल है तो उसका कहीं ना कहीं जाके सेंटर हो तो होगा ही ना, उस पे सेंटर पे जाने के लिए आपको 6,000 किलोमीटर खुदाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना, समझ गए। उसके बाद हमने बताया था ना कि जो हमारा अर्थ बहुत सारे, जो अर्थ क्रस्ट या अर्थ का जो और वाला पार्ट है उसमें बहुत सारे रॉक्स एंड मिनरल्स हैं। तो रॉक पता कैसे चलता है, कहाँ से मिलता है, ठीक है ना, तो ये सब देखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले लिखा हो कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट मतलब ऊपर वाला पार्ट, उसमें वो उसमें बहुत सारे रॉक हैं, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन उठता है, पूछोगे भैया रॉक क्या होता है, आप क्या बोल रहे हो, रॉक का मतलब, रॉक का मतलब होता है एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर डैट मेक्स अप है अर्थ क्रस्ट, मतलब जो भी नेचुरल चीज़ है, जो भी नेचुरल मिनरल, जो भी ऐसा मिनरल जो नेचुरल, एक तो नेचर से आया है और वो सब मिल के एक चीज़ बनाया है जिसको बोलते हैं रॉक। एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर डैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड रॉक, ठीक है ना। तो रॉक भी अलग अलग टाइप का होता है, और अलग कैसे डिफाइन करते हो, दो चीज़ को अलग कैसे डिफाइन करो, कोई ना कोई क्राइटेरिया होगा ना डिफाइन करने का। तो इसका क्राइटेरिया है क्या क्या, कलर, साइज, टेक्सचर। कलर, दो अलग रॉक का कलर अलग अलग होता है, दो अलग रॉक का साइज अलग अलग होता है, साइज का मतलब जो पार्टिकल होते हैं ना उसके साइज, और टेक्सचर भी अलग अलग होता है, ठीक है ना, ठीक है। ये तो आप समझ ही जाओगे कि क्रस्ट जो है 1% वॉल्यूम है, क्योंकि टोटल अगर मान लो आप इसको बैलून मानते हो, अर्थ को एक बैलून मानते हो, तो जो इतना ही क्रस्ट है तो इसका वॉल्यूम कम हुआ ना, इसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा। तो 1% वॉल्यूम पे क्या है, क्रस्ट है 1% वॉल्यूम पे क्या है, क्रस्ट है, और उसके बाद 84% पे मेंटल है और 15% पे कोर है, ठीक है ना, 15% पे कोर है, और टोटल रेडियस कितना है, 6371 किलोमीटर, ये क्वेश्चन पूछे हुआ है, ठीक है ना। उसका तीन टाइप के रॉक्स हैं मैंने बता दिया, पहला है इग्नीशियस, ठीक है ना, वन सेक, एक चीज मैं आपको बताता हूँ, और तीन टाइप के रॉक्स होते हैं, क्या क्या नाम है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। क्या क्या है वो मैं बताता हूँ, सबसे पहले बताता हूँ आप, अर्थ है, ठीक है ना, तो अर्थ क्रस्ट के नीचे जो एक लेयर होता है उसको बोलते एस्थनोस्फेयर, नहीं भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ याद रख लो कि अर्थ के क्रस्ट के नीचे से मोल्टन मैग्मा आता है। मोल्टन मैग्मा थोड़ा लिक्विड होता है, थोड़ा कीचड़ मड टाइप का होता है, लेकिन वो पूरा, क्योंकि नीचे टेम्परेचर प्रेशर के कारण वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, थोड़ा आग की तरह लगता है। जहाँ पे आपका ज्वालामुखी निकलते हुए, वोल्केनो निकलते हुए देखो ना, वही मैं बात कर रहा हूँ, वोल्केनो ही समझ लो एक चीज़ से। तो नीचे से जब मोल्टन मैग्मा ऊपर आता है, तो देखो अगर इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो क्रस्ट के ऊपर आ जाएगा, मतलब अर्थ सरफेस पे आ जाएगा, अर्थ सरफेस पे आएगा कब, जब नीचे से कोई फोर्स देने वाला इसको बहुत ज़्यादा होगा तो अर्थ सरफेस पे आएगा, तभी तो ज्वाला वोल्केनो होता है। लेकिन ऐसा भी होता है भाई, वो नीचे ही दब जाता है, इतनी एनर्जी ही नहीं है, नीचे ही यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से थोड़ा ऊपर आया और यहीं पर ठंडा हो गया, क्योंकि इसके पास एनर्जी ही नहीं है कि ऊपर आ सके। ऑब्वियसली किसी चीज़ को ऊपर फेंकने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, क्योंकि क्रस्ट हल्का फुल्का भी तो नहीं है, वो भी तो हार्ड है ना, उसको भी तो नीचे से कोई चाहिए ऐसा धक्का देने वाला, तभी वो फटेगा और फिर बाहर आएगा।
तो इसमें भी दो होता है, देखो क्या होता है मैं बताता हूँ कि व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स, देखो क्या लिखा, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड रॉक दस फॉर्म आर कॉल्ड इग्नियस रॉकी दे आर ऑल्सो प्राइमरी रॉक, क्योंकि उसके अलावा प्राइमरी का मतलब है सबसे पहले वही बनता है ना, रॉक एक बार नीचे से आया उसी के बाद ना उस पर कन्वर्ट हो के कुछ कुछ हो के सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक बनता है, लेकिन सबसे पहले कोई रॉक अगर आता है तो इग्नियस ही रहता है, ठीक है ना। तो वहाँ पर बताया गया दे आर टू टाइप ऑफ इग्नियस रॉक्स, कौन कौन है, इंट्रूसिव और एक है एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव कब होता है, मैंने बताया ना कि भाई अंदर ही ठंडा हो गया तो उसको बोलते हैं इंट्रूसिव, और बाहर निकला अगर अर्थ सरफेस पे निकल गया तो उसको बोलते हैं एक्सट्रूसिव, ठीक है ना। वही लिखा हुआ रॉक फॉर्म्ड इन अ सच ए वे ऑन अ क्रस्ट इज कॉल्ड एक्सट्रूसिव, ठीक है ना। यहाँ पे अगर रैपिडली ऊपर आ गया, व्हेन द मोल्टन मैग्मा लावा कम्स ऑन द अर्थ सर्फेस पे आएगा तो उसको एक्सट्रूसिव, लेकिन अर्थ सर्फेस के अंदर ही रह गया तो उसको इंट्रूसिव बोलते हैं, ठीक है ना। अब दो चीज़ और था ना, सेडिमेंट्स क्या होता है आपको पता है, सेडिमेंट्स होता है क्या, क्या सेडिमेंट्स का मतलब मैं बताता हूँ कि मान लो कोई अर्थ का टुकड़ा टुकड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पर रॉक्स रोल डाउन क्रैक्स एंड हीट इज, क्योंकि नीचे से तो आया था तो सब एक साथ था ना, ऑब्वियसली एक साथ था, ठीक है ना, क्योंकि नीचे से मैग्मा के साथ आया ऊपर आया, मान लो अर्थ सर्फेस पर आ गया, लेकिन अर्थ सर्फेस पर आ गया तो पहले तो ठंडा होगा, ठीक है, तो उसको इग्नियस रॉक बोल देंगे, लेकिन ठंडा होने के बाद उसको बहुत बार कभी बारिश पड़ेगी, कभी टेम्परेचर पड़ेगा, तो कभी आपस में टकराए रहेगा, इससे छोटे छोटे टुकड़े में टूट सकता है ना, तो छोटे टुकड़े में जो टूटेगा स्मॉलर पार्टिकल उसी को तो सेडिमेंट्स बोलते हैं ना। वहाँ पे बताया गया दिस सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिट, अब मान लो सेडिमेंट्स में टूट गया, अब उस सेडिमेंट्स को पानी बहा के ले गया, ठीक ना, पानी बहा के लेके कहीं तो लेके जाएगा ना, या एयर ने उड़ा के कहीं लेके गया, तो ये सब में क्या होता है कि दीज सेडिमेंट आर ट्रांसपोर्टेड करके ले गया वाटर या विंड या कुछ भी, और उसको कहीं और डाल दिया। मान लो गंगा रिवर ने माउंटेन से सेडिमेंट्स को उठाया और उसको ला के प्लेन में डाल दिया, प्लेन जो बिहार यूपी वाला झारखंड इन सब जगहों पर डाल दिया, जिसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर जो रॉक बनेगा वो सेडिमेंट्री रॉक बनता है, ठीक है ना। दिस रॉक, यहाँ पे बताया दी लूज सेडिमेंट्स आर कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड का मतलब दबाया गया, वहाँ लूज था, और हार्डन टू फॉर्म अ लेयर ऑफ रॉक जिसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक, हिमालय से लाया और उसको कहीं लाके दबा दिया तो उसको बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। जैसे सैंडस्टोन का एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज ए मेड ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड, मतलब सैंड क्या है, सैंड एक टुकड़ा था, सेडिमेंट था, लेकिन उससे जो रॉक बना है उसको बोलते हैं सैंडस्टोन, ठीक है ना। दीज रॉक मे ऑल्सो कॉन्टेन फोजिल्स, ऑब्वियसली फोजिल्स मिलेंगे, फोजिल्स मतलब होता है कि मतलब कोई जानवर के अवशेष होता है या पेड़ पौधे के अवशेष, लेकिन क्या आप बताओ, जे ऑब्वियसली मिल सकते हैं ना कि हिमालय से कोई पेड़ पौधे या जानवर का अवशेष मिला और कहीं प्लेन पे जाके, क्योंकि उस पर बार बार मिट्टी दबा रहे थे तो हड्डी ऐसा थोड़ी है कि वो मिट्टी उससे बह के चला जाएगा, और बहेगा भी तो मिट्टी में दब सकता है ना, तो आप बाद में अगर खुदाई करोगे तो मिल सकता है ना। सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉसिल फ्यूल्स मिल जाते हैं, लेकिन क्या आप बताओ जो इग्नियस रॉक आएंगे उसमें फॉसिल फ्यूल्स मिल सकता है, नहीं मिलेगा भाई, अंदर से टेम्परेचर आप समझ रहे हो कितना डिग्री सेल्सियस होता है वोल्केनो का, वोल्केनो जो होता है उसका आग का कितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो इसमें तो हड्डी का क्या चूरन बन जाएगा, आपको पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। तो फॉसिल फ्यूल्स सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री रॉक्स में मिलते हैं, ध्यान देने की बात है। यहाँ पे बताया फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन इज मेड ऑफ ग्रेन, दीज रॉक्स मे ऑल्सो कॉन्टेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट या एनिमल या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, मिल जाते हैं जो एक समय में जिंदा थे उसके मिल जाते हैं, लेकिन आपको ना इग्नियस रॉक्स में ना मेटामॉर्फिक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या लिखा है, इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक, ऑब्वियसली पता है कैसे चेंज होंगे, हीट के कारण, प्रेशर के कारण, ठीक है ना। जैसे क्ले चेंज होके बन जाते हैं स्लेट और लाइमस्टोन बन जाते हैं मार्बल, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि मेटामॉर्फिक कैसे बनते हैं, मेटामॉर्फिक बनते हैं इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स में चेंज आता है, और चेंज किसी वजह से, या तो उसको प्रेशर देते हैं यानी दबाव देते हैं, या टेम्परेचर चेंज होता है, तो इस सब के कारण मेटामॉर्फिक रॉक्स बनता है। जैसे एग्जांपल दिया हो कि जो क्ले है, क्ले किससे बन जाता है, अगर स्लेट बन गया या लाइमस्टोन से मार्बल बन गया, तो ये एग्जांपल है मेटामॉर्फिक रॉक का, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि रॉक बहुत सारे यूजफुल है,
ठीक है ना। अब बहुत सारे बचपन में गेम खेलते थे, जैसे सेवन स्टोन जो पिट्टू गेम होता था, या और भी बहुत सारे गेम होता है। उसके अलावा ये सब बना हुआ है स्टोन से, ठीक है ना। यहाँ पे बताया कि स्टोन ऐसा नहीं कि जो हम तीन रॉक बताए, इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक, ऐसा नहीं कि तीनों एक बारी जो बन गया वो बन गया। नहीं भाई, हमने अभी तो देखा कि इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक बना। तो ऐसा नहीं है, सब सबसे बनते हैं। जैसे इग्नियस रॉक से मेटामॉर्फिक भी बना सकता है, इग्नियस रॉक से सेडिमेंट्री भी बना सकते हैं। इसको तो मैंने बताया भी था कि इग्नियस रॉक से कैसे टेम्परेचर प्रेशर के कारण छोटे छोटे टुकड़े होंगे, और वो उसको पानी बहा के ले जाएगा, एयर बहा के ले जाएगा, वो सेडिमेंट्स बन जाएगा, और सेडिमेंट से मेटामॉर्फिक बने। ये सब सब आपस में एक दूसरे में बदलते रहते हैं, ठीक ना, एक दूसरे में बदलते रहते। कभी भी ये ऐसा नहीं कि एक दूसरे में बदलते रहते, ऐसा नहीं, स्टेबल नहीं होते, ठीक है। उसके बाद ठीक है ना, यहाँ पे बताया कि रॉक बहुत अलग अलग मिनरल से बने होते हैं। तभी तो भाई, अगर रॉक अलग अलग मिनरल से नहीं मिलते तो अफ्रीका में गोल्ड क्यों मिलता, और या कहीं और डायमंड क्यों मिलता। ऑब्वियसली अलग अलग मिनरल से बने हुए, तभी तो कोई कोई जगह पे डायमंड मिलता है, कोई जगह पे गोल्ड मिलता है, कोई जगह पे कुछ और मिलता है, कोई जगह पे फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, जहाँ पे पेट्रोल बनाया जाता है के लिए वो पेट्रोल के कुएँ हैं। तो हर रॉक पे हर तरह के मिनरल है, अलग अलग तरह के फॉसिल फ्यूल्स है, ठीक है ना। उसके बाद आपको बताना तीन लेयर ऑफ अर्थ, आसानी से बता सकते हो। रॉक क्या होता है, डेफिनेशन आपको पता है। तीन टाइप ऑफ रॉक अभी तो बताया, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव कैसे बनते हैं बताया, व्हाट डू यू मीन बाय रॉक साइकिल का बताया कि कैसे चेंज होता है एक दूसरे में, रॉक का क्या यूज है, मेटामॉर्फिक रॉक का क्या मतलब है, ठीक है ना, जो मोल्टन मैग्मा से बनता है इग्नियस, इनर मोस्ट लेयर कौन है, इनर मोस्ट लेयर आपको बताया सबसे अंदर वाला कोर, गोल्ड पेट्रोलियम कोल किसके एग्जाम्पल है, मिनरल्स के एग्जाम्पल है रॉक, और जो ऐसा रॉक जिसमें फॉसिल फ्यूल्स होता है, ऑब्वियसली सेडिमेंट्री, ठीक है ना, और थिनेस्ट रॉक सबसे पतला लेक क्रस्ट, मेटामॉर्फिक भी मिलता है। अभी तो मैंने बताया था गोल्ड किसके मिनरल के एग्जाम्पल है, इनर मोस्ट लेयर कौन है कोर, रॉक जिसमें मोल्टन मैग्मा मिलता है इग्नियस, कोर क्या होता है, कोर सबसे इनर मोस्ट लेयर है, यानी कोर का ई हो गया, ए हो गया, सॉरी ई वाला, और रॉक सबसे पहले सियाल देखो, सियाल क्या होता है, सियाल और सीमा मैंने बताया था जो सिलिकॉन और एल्युमिनियम से बना है, क्ले से क्या होता है, क्ले चेंज होकर स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक में, ठीक है ना, और रॉक, और ये तो है नहीं है किसी का, मिनरल क्या होता है जिसमें डिफिनेट केमिकल कंपोजिशन होते हैं, रॉक जिससे अर्थ सरफेस बना होता है, ठीक है ना, यही तो हमने देख लिया। और बाकी आप लिख लेना यार, कुछ कुछ क्वेश्चन तो ट्राई कर ही सकते हो लिखने, कि लाइमस्टोन कैसे मार्बल में बना, ऑब्वियसली मेटामॉर्फिक रॉक्स के कारण प्रेशर और टेम्परेचर चेंज हुआ, आप लिख लेना स्टेटमेंट में। सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे फॉर्म होता है सेडिमेंट से, सेडिमेंट्री रॉक्स सेडिमेंट्स को क्या करते हैं, बहुत सारे जो एजेंट होते हैं वाटर और एयर, उसको बहा के ले जाते हैं, कहीं ले जाके ट्रांसपोर्ट करके कहीं रख देते हैं, उसको कॉम्प्रेस करते हैं और हार्ड बना देते हैं, जिससे क्या होता है सेडिमेंट्री रॉक्स बनता है। हम कैसे सेंटर ऑफ अर्थ पर जाएंगे वो आपको पता है, ठीक है ना, जैसे वो डिग करके जाना होता है, तो आपको सब कुछ पता ही है, ठीक है ना। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।